हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये हमारा चैनल है जो कि स्पेसिफिकली फोकस करता है नेट एग्जामिनेशंस के लिए। जो स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम नेहा बुरानी, आई एम एजुकेटेड अन अकेडमी फॉर क्वाइट अ वाइल। मेरी क्वालिफिकेशन सम ऑफ द फाइनेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हुई है एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं एविड रिसर्चर हूँ एंड आई हैव बीन पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस है ओवर 5 ईयर्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस लॉ कॉलेजेस। और हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको लॉ के अलावा पेपर 1 और सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स पे बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप वेट करना बंद करिए और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर हमें ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म फ्री और पेड दोनों पे वर्क करता है। हमारे जो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर यूट्यूब और हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, बिकॉज हमारा ये फोकस रहता है कि किस तरीके से वो टॉपिक्स लिए जाए जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन हमारे पेड प्लेटफॉर्म के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, क्विजेस, टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब आपको अवेलेबल होता है। और जो हमारा सबसे नया सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, जो 1-on-1 अटेंशन पे ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर्स, स्टडी मटीरियल्स, इन सब का एडवांटेज मिलता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इन सब्सक्रिप्शंस को देखें। हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो बेसिकली इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि हम 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स में प्रोवाइड करते हैं। जितना बड़ा आपका सब्सक्रिप्शन होता है उतना ही कम आपको पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आप एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NEHABTEN, NEHABTEN, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा हमारे आइकॉनिक में भी हमारे सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NEHABTEN का टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पे हमारे पास 6, 12 और 24 मंथ्स के अवेलेबल हैं। ये हमारे अभी कुछ MCQ क्लासेस हैं जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। तो डोंट वेट, टेक एज मच एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी एज पॉसिबल। आज की जो मेरी क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ऐसे सवाल का जवाब देने जा रही हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। आपने अपनी लाइफ के 5 ईयर्स लॉ कंप्लीट करने में दिए हैं और 5th ईयर के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें LLB के बाद में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं या वो फर्म में नहीं जा रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही 8 to 9 ऑप्शंस डिस्कस करूँगी जो आप LLB के बाद कर सकते हैं। आप इस वीडियो में मुझसे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चंस पूछिए एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। आपको जो भी डिफ़िकल्टी है मैं कोशिश करूँगी कि उस डिफ़िकल्टी को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। सबसे पहला मेरे हिसाब से जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि अगर आप 5 ईयर लॉ कंप्लीट करते हैं, चाहे आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हो या आपने NLU से किया हो या आपने किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया हो, जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो सीख सकते हैं, वो एडवोकेसी से होता है। अब एडवोकेसी हर स्टूडेंट को सही नहीं लगती है बिकॉज इसको इस्टेब्लिश करने में आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो एडवोकेसी में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को इनरोल कराना पड़ता है 12 में, जिसका अपना प्रोसीजर होता है। आगे आने वाले वीडियोस में आप ज़रूर मुझे ज्वाइन करिए जिसमें मैं इनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूँगी। एक बार आपका इनरोलमेंट ID आने के बाद में आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, जो कि एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। वो क्लियर करने के बाद आपको सनद मिलती है विच इज़ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और ये मिलने के बाद में आप अपने हिसाब से ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि इस फील्ड में उतरने से पहले आप अपने एक मेंटर लें, एक ऐसे सीनियर एडवोकेट के साथ एज अ जूनियर एसोसिएट आप प्रैक्टिस करें
ताकि आप एडवोकेसी की इंटिक्रेसीज को समझ सकें और उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के बारे में सोच सकते हैं। सो मेरे हिसाब से सबसे पहला आइडिया है बीइंग एन एडवोकेट। दूसरा है जो और काफ़ी रिस्पेक्टेबल है और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो लोग लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं, तो जैसे कि आपने कभी सिलेबस देखा हो यूपीएससी और एसपीएससी का, तो एक बहुत मेजर पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटी से रिलेटेड होता है। तो काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स के पास ये तरीका भी है कि अप अंटिल द एज ऑफ 32 आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एंड मैनी लॉ स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि आईएएस की जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक कर दें, क्योंकि इस तरीके का लॉ बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर किया जाता है और आपको प्रेफरेंस भी मिल सकती है अगर इस तरीके का आपका बैकग्राउंड है। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि अपने 4th ईयर या 5th ईयर से ही आप यूपीएससी या एसपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज कम है तो अप अंटिल 27 ईयर्स ऑफ एज आप जैक की तैयारी कर सकते हैं, जो कि जज एडवोकेट जनरल, जो कि हमारे आर्मी के अंदर लॉ की पोस्ट होती है। इसमें आपको एसएसबी का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद मेडिकल देना होता है, और मेडिकल के बाद आपको जब सिलेक्ट किया जाता है तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एज अ लॉ ऑफिसर आर्मी में पोस्टिंग मिलती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड सर्विस है जो आप दे सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डू ट्राई फॉर जैक और ये बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि एसएसबी का सिलेबस आप ज़रूर पढ़िए एंड अप अंटिल द एज ऑफ 27 आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तीसरा मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र से मेरा मतलब है ये सबसे ज़्यादा है जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं। काफ़ी मोस्टली जितनी हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से कैंपस रिक्रूटमेंट कराते हैं, जिसमें प्राइवेट लॉ फर्म्स और पब्लिक लॉ फर्म्स आपके पास आते हैं। इन लॉ फर्म्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड्स होता है, और उसके बाद में अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप एज अ लॉ एसोसिएट काफ़ी लॉ फर्म्स में लग सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी टॉप लॉ फर्म्स हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे आपके जो भी बड़े आप जानते हैं, ओएसएस को जानते हैं, अमरचंद मंगलदास को जानते हैं, जेएसए, ये सारे के सारे आपके बहुत ही अमेजिंग लॉ फर्म्स हैं जिसमें आप रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज। अगर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं है तो एज स्टूडेंट्स आपने जिनके साथ में रिक्रूटमेंट नहीं किया है तो उन उन केसेस में आप अपने तरीके से जो इंटर्नशिप करते हैं वो इंटर्नशिप के बाद में आप आसानी से इन फॉर्म्स में जा सकते हैं अगर आपकी रेपो अच्छी है। इसके अलावा बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, वो भी काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं एज लीगल एडवाइजर्स। इसके अलावा साल में एक बार हमारा बैंकिंग का एग्जामिनेशन होता है एसएसओ का, आप अगर उसे क्लियर करते हैं तो एज अ बैंक लीगल एडवाइज़र भी आप लग सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लीगल एनजीओज़ हैं जो एज लीगल एडवाइज़र स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा फोरम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, बहुत सारे पोस्ट निकलती हैं लीगल एडवाइज़र्स के लिए, तो यू कैन टेक एज मच एडवांटेज ऑफ दैट इफ़ पॉसिबल। फिर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है वो है जुडिशरी। मोस्ट स्टूडेंट्स 4th या 5th ईयर से ही जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, वो दिल्ली हो, यूपी हो। इसके लिए आपको रिगरस कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या तो अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छी तरह कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो रिगरस कोचिंग के थ्रू, प्रैक्टिसेस और मॉक ट्रायल्स के थ्रू आप जुडिशरी कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू यूज़ योर एलएलबी स्टडीज़। फिर उसके बाद में हमारे आता है टीचिंग, जो कि आप सबको पता है कि जुलाई 2021 से अगर आपको टीचिंग करनी है तो एलएलएम के बाद में आपको पीएचडी करना ज़रूरी है, तभी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है जो साल में 2 बार होता है, या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टेट का, जो कि साल में 1 बार होता है। तो अगर आप गुजरात से हैं तो आप जी सेट दे सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर
हर जो भी कॉलेजेस हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपको उस पे रेफरेंस मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है। और हर कॉलेज का अपना इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उस इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर कर कर आप लोग आसानी से टीचिंग करियर में आ सकते हैं। फिर उसके बाद लीगल आउटसोर्सिंग है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एज़ फ्रेशर्स बहुत सारे LPOs हैं जो बाहर की कंट्रीज़ का जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होता है वो अपने अंडर लेते हैं। तो आपके पास बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ड्राफ्टिंग करने की और कॉर्पोरेशंस के डॉक्यूमेंटेशंस को समझने की। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज को आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे कि आप जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो लीगल आउटसोर्सिंग में आप लर्न बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं फ्रेशर्स को सजेस्ट करूँगी कि लीगल आउटसोर्सिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं एवरी ईयर, तो आप ज़रूर एक बार उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद है वन ऑफ माई फेवरेट, अगर आपको नैक है एडिटिंग का, या आप बहुत अच्छे रिसर्च पेपर राइट करते हैं, या कॉलेज में आप एडिटर रह चुके हैं या रिसर्च पब्लिश कर चुके हैं, तो देर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स एंड जर्नल पब्लिकेशंस जो आपको पे करते हैं रिसर्च लिखने के लिए या एडिटिंग करने के लिए या प्रूफ रीडिंग करने के लिए। सो ये एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम आप लोग कर सकते हैं, ओनली अगर आपका रिसर्च का नैक है। तो एज अ रिसर्चर मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसका एडवांटेज ज़रूर लीजिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको रेगुलरली बताते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। मेरी आगे आने वाली वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करिए, जिसमें मैं वो सारी प्लेसेस बताऊँगी जहाँ पे जाके आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट एंड द लीस्ट, आपका जो हायर स्टडीज़ का नैक है, अगर आप लोग LLB के बाद में फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे NLUs हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा 50% ऑफ द स्टूडेंट्स LLM के लिए ऑप्ट करते हैं, जिसमें आपको क्लैट का एग्जामिनेशन देना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिससे आपको NLUs मिलते हैं, या फिर प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर कर आप प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ में भी LLM कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी LLM कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत करके बाहर की कंट्रीज़ में आईवी लीग्स में अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। मैं अपनी काफ़ी आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल LLM करना चाहते हैं तो। सो कीप फॉलोइंग मी फॉर ऑल ऑफ दीज वीडियोज़। इसके अलावा आप इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग लॉ के साथ में CS करते हैं या MBA करते हैं, तो ये आपके रिज्यूमे को, या फाइनेंस डिप्लोमा, ये सब आपके रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये सारे के सारे एक बार ध्यान दे सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में मुझसे डाल सकते हैं, और मैं आपको जितनी हो सके वो कोशिश कर सकती हूँ। जो भी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व करने की ज़रूर ट्राई करूँगी। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। इन सारी चीज़ों के लिए आप अनअकैडमी में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं सारे प्लस कोर्सेज़ के लिए। अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NEHABEE10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। आई रियली थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। सो कीप ट्यूनिंग फॉर ऑल ऑफ दैट। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू।